So, my dear, now we have to develop a very, very peaceful and crystal clear idea about T.W. Engelmann's experiment on photosynthesis. ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस के ऊपर T.W. Engelmann ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी को बोला जाता है T.W. Engelmann's एक्सपेरिमेंट. एंड ही गिव हिज अमेजिंग डेजलिंग आइडिया अबाउट फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द ईयर 1843 to 1909. ठीक है, ये समय में उन्होंने एंजेलमैन साहब ने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट दिया था. दैट इज द फर्स्ट एमसीक्यू फॉर यू. इसका मतलब क्या है, काफी लंबा समय तक उनका एक्सपेरिमेंट चलता रहा. ठीक है, बाद में कंक्लूजन दिया. तो उन्होंने क्या किया था बेटा, उन्होंने जो आइडिया पब्लिक के सामने अनलॉक किया था वो आइडिया आज मैं आपको खुलासा करने वाला हूँ. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था बेटा, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म लिया था. ठीक है, अब ये भी बात जानते हैं, कोई बोलने वाला बात नहीं कि प्रिज्म जो है ये हमेशा ट्रायंगुलर होते हैं और कांच से बना हुआ रहता है. ठीक, धीरे धीरे देखो, बट एक एक आइडिया, एक एक एमसीक्यू, एक एक कॉर्नर आपका क्लियर होना चाहिए. क्या होता है बेटा, प्रिज्म, PRISM. और ये भी कोई भी मतलब हाई स्कूल का बच्चा भी जानता है कि ये क्या है, प्रिज्म के अंदर से अगर आपने व्हाइट लाइट पास कराया. ठीक, कौन सा लाइट बेटा, मानिए कि ये व्हाइट लाइट, WHITE, व्हाइट लाइट, LIGHT, व्हाइट लाइट अगर पास कराया तो ये व्हाइट लाइट क्या होता है, उसका स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में बदल जाता है. ठीक है, 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट से क्या होता है, ये व्हाइट लाइट बदल जाता है. ठीक है, तो यहां पर मैं 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बना देता हूं. सभी कलर को मैं एक जैसा रखूंगा सिवाय 2 कलर. ठीक है, क्योंकि ये 2 कलर हमको जरूरत है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक, तो यहां पर कितना कलर बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक, तो ये 7 कलर में क्या हो जाता है बेटा, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट पे ये स्प्लिट हो जाता है व्हाइट लाइट, जब ये व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से क्या करोगे, पास करोगे. तो ये 2 कलर, ये कौन सा कलर बेटा, मैं सारा कलर बता देता हूं, बाद में हमको जरूरत पड़ने वाला है. कौन सा कलर बताइए, ये 2 कलर, जो एक दिख रहा है आपका ब्लू और एक दिख रहा है कौन सा बेटा, आपका बच्चों का सबसे प्यारा कलर कौन होता है बेटा, रेड कलर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बनता है, एक्चुअली ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, VIVGOR, VIVGYUR. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, V स्टैंड फॉर वायलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, V स्टैंड फॉर ब्लू, G स्टैंड फॉर ग्रीन, Y स्टैंड फॉर येलो, O स्टैंड फॉर ऑरेंज एंड R स्टैंड फॉर रेड. तो ये 7 स्पेक्ट्रल कंपोनेंट पे क्या होता है, बदल जाता है. तो T.W. Engelmann ने क्या बताया था, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये पूरा व्हाइट लाइट प्लांट यूज नहीं करता. पूरा व्हाइट लाइट में क्या है बेटा, रेनबो छुपा हुआ है. तो देखिए ये 7 लाइट अगर एक साथ आपको दिख गया बारिश के समय तो वो क्या होता है बेटा, वो रेनबो हो जाता है. ठीक है, तो रेनबो के अंदर एक्चुअली ये व्हाइट लाइट के अंदर ये सारा कलर छुपा हुआ है. ये क्या है बेटा, विजिबल लाइट. यही लाइट को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपना ह्यूमन आई से. बाकी बहुत सारा कुदरत में ऐसा कुदरती एनिमल है जो अदर्स लाइट को भी क्या कर सकता है, सेंस कर पाता है, पर हम ह्यूमन इस 7 लाइट को ही देख पाते हैं, ये व्हाइट लाइट को ही देख पाते. ठीक है, उसी में से प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ये दुनिया को सर्वाइव करा रहा है. ठीक, तो कौन सा एरिया मतलब लाइट का कौन सा एरिया प्लांट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है बताइए. ये Engelmann ने प्रूव करके बताया, ब्लू लाइट एज वेल एज रेड लाइट. ठीक है, तो ये कैसे प्रूव किया था उन्होंने, एक्चुअली क्या किया था बेटा, यहां पर एक बैक्टीरियल सस्पेंशन रखा था. क्या रखा था बेटा, यहां पर एक्चुअली एक बैक्टीरियल सस्पेंशन रखा था. ठीक है, बैक्टीरियल सस्पेंशन, और इसके अंदर उन्होंने क्या डाल दिया था बेटा, क्लैडोफोरा, एक्चुअली क्लैडोफोरा नाम के एक एल्गी डाल दिया था. ठीक है, तो मान लो यहां पर मैं एक क्लैडोफोरा एल्गी ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर कंसीडर करिए कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन क्या ड्रॉ कर रहा हूं बेटा,
क्लैडोफोरा नाम के एल्गी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, जस्ट मानिए मैं ड्राफ्ट डायग्राम मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट मानिए यहाँ पर ये क्या है बेटा, क्लैडोफोरा एल्गी। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि टी डब्ल्यू एंजलमैन कौन सा एल्गी को यूज़ किया था, तो आप क्या बताएंगे, क्लैडोफोरा, सी एल ए डी ओ, एक्चुअली सी एल ए डी ओ पी एच ओ आर ए, क्लैडोफोरा, एंड क्लैडोफोरा इज ए काइंड्स ऑफ एल्गी। ठीक, तो ये एल्गी को यूज किया। अब ये एल्गी को यूज करके उन्होंने क्या किया, ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में लाइट को डिवाइड करके ये क्लैडोफोरा से फोरा के ऊपर से चला दिया। अब यहाँ पर उन्होंने एक बैक्टीरियल सस्पेंशन रखा, बैक्टीरियल सस्पेंशन मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया रख दिया। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि उन्होंने बैक्टीरियल सस्पेंशन क्यों रखा, सस्पेंशन मतलब इसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिया। ठीक, ये देखिए ये क्या है, रेड रेड जो दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया, मीन दिस बैक्टीरिया यूटिलाइज द ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन से ये क्या करते बेटा, ब्रीथ करते। ठीक है, अब देखिए ये सस्पेंशन को उन्होंने क्या रखा बेटा, सनलाइट के अंदर रख दिया, मतलब ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के अंदर रख दिया। तो यहाँ पर इसके अंदर से सारा लाइट क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है। मैं टेढ़ा करके बनाता हूँ बेटा, यहाँ पर ये लाइट पास हो रहा है, ये वाला लाइट पास हो रहा है, उसके साथ साथ कौन सा लाइट भी पास हो रहा है बताइए, ये ब्लू लाइट भी पास हो रहा है। ठीक, सारा लाइट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, पास हो गया। ठीक, मैं टेढ़ा करके बनाया, पर लाइट कभी टेढ़ा नहीं चलता है, आप ये भी बात जानते हैं ना। तो ये ऐसे उन्होंने चला दिया। अब उन्होंने क्या देखा, देखिए ये जो बैक्टीरियल सस्पेंशन रखा विथ क्लैडोफोरा, यहाँ पर क्या है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा ना बेटा, वो जगह पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये क्लैडोफोरा प्लांट है, ये एक एल्गी है, तो प्लांट एंड एल्गी, एक्चुअली एल्गी इज ए लोअर प्लांट। ठीक है, तो लोअर प्लांट वाला सभी हो, पर ये क्या करेगा, जब भी इसको लाइट मिलेगा तो सनलाइट यूज करके क्या करेगा बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगा। आप जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा बेटा, ये आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर। ये बात आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बेटा बहुत अच्छे से याद रखना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये मतलब ये दो रीजन में अभी जाके क्या देखा साइंटिस्ट ने, यहाँ पर क्या देखा, ये दो जगह पे, ये जहाँ पर रेड लाइट जा रहा है ना, ये जगह पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, बैक्टीरिया इकट्ठा होने लगा। क्यों ये जगह पे बैक्टीरिया इकट्ठा हुआ, इसका मतलब मैंने बताया आपको कि ये जगह पे क्या यूज किया गया बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एक्चुअली दिस बैक्टीरिया इज ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया। तो यहां पर देखा दो जगह पे सिर्फ क्या हुआ, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ। क्यों एक्यूमुलेट हुआ, क्योंकि ये दो जगह फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया ये जगह पे एक्यूमुलेट हुआ। इसके दौरान टी डब्ल्यू एंजलमैन पता लगाया था कि क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और ऑक्सीजन कौन सा लाइट में, कौन सा जगह पे, कौन सा लाइट स्पेक्ट्रम में ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है, एक तो ब्लू रीजन ऑफ लाइट एंड दूसरा कौन सा है बताइए, रेड रीजन ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो एक्शन स्पेक्ट्रम में, ये दो जगह पे क्या होता है बताइए, आपका फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, ऑप्टिमम होता है, ये जगह पे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। इसलिए क्या होता है, ये जगह पे ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया आके एक्यूमुलेट हुआ। ठीक, क्योंकि ये जगह फोटोसिंथेसिस होके यहाँ से ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया आके एक्यूमुलेट हुआ। तो ये है क्या बताइए, टी डब्ल्यू एंजलमैन एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड प्रूफ। आप देखिए यहाँ पर आप इस तरह से याद रख सकते विपजियोर, VIVGYOR। ठीक है, विपजियोर, तो कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ, एक तो ब्लू रीजन पे, दूसरा कहाँ पे बताए बेटा, रेड रीजन पे। अब यहाँ पर कुछ और एमसीक्यू है जो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ए एमसीक्यू नंबर वन, कौन सा समय में टी डब्ल्यू एंजलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था, 1843 टू 1901, और कौन सा उन्होंने कौन सा एल्गी यूज किया था, क्लैडोफोरा, और यहाँ पर कौन सा बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया उन्होंने, एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन लिया। ठीक है, अब दूसरा और एक्सपेरिमेंट, ये जो है बेटा
एक्चुअली यहाँ पर कुछ और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर कुछ और एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं बता देता आपको। देखिए बेटा यहाँ पर एक मेन एमसीक्यू जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, ये जो एक्सपेरिमेंट व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके एक्शन स्पेक्ट्रम बना के उन्होंने किया कि कहाँ पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा है बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट जहाँ पर हो रहा है ऑब्वियसली वहाँ पर क्या हो रहा है बेटा आपका ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको क्या बोला जाता है, फास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, इट इज ए फास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये फास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस के ऊपर कौन डिस्क्राइब किया, TW एंजलमैन, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा आपको ये भी घुमा के पूछ सकता है, व्हाई दिस बैक्टीरियल सस्पेंशन इज यूज, व्हाई दिस एरोबिक बैक्टीरियल सस्पेंशन इज यूज। तो आप आसानी से अभी बोल सकते हैं कि दिस बैक्टीरिया इज यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर ये दो जगह पे बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुआ, कौन सा, एक ब्लू लाइट रीजन में और ब्लू स्पेक्ट्रम में और एक रेड स्पेक्ट्रम में। तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम बना ब्लू रीजन और रेड रीजन में क्या होता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और एक आपको यहाँ पर एमसीक्यू याद रखना पड़ेगा बेटा, ये जो ब्लू स्पेक्ट्रम है ना इसका वेवलेंथ है कितना बताइए, करीबन 450 to 500 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, ये आप याद रखना। और दूसरा ये जगह पे मैक्सिमम मेनली कौन सा क्लोरोफिल काम करता है बताइए, क्लोरोफिल ए। ठीक है, CHOL, क्लोरोफिल ए, रफली ये याद रखिएगा बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की ब्लू लाइट रीजन में एक्चुअली क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक्टिवेट होता है। क्लोरोफिल का भी टाइप है मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो वेवलेंथ है लाइट का, ब्लू लाइट का, वो कितना है, 450 to 500 नैनोमीटर। अब ये भी आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर एक्चुअली वेवलेंथ कितना है और कौन सा क्लोरोफिल काम करता है, रफली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 650 to 700 नैनोमीटर, 650 to 700 नैनोमीटर। और यहाँ पर कौन सा क्लोरोफिल काम करता है बताइए, क्लोरोफिल CHOL, क्लोरोफिल बी यहाँ पर रफली काम करता है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या करना बेटा, याद रखना। ठीक, एंड इट इज द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम कंडक्टेड ऑन फोटोसिंथेसिस बाय TW एंजलमैन। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया था, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया था। एम्पिरिकल फॉर्मूला बोले तो वो फॉर्मूला को बैलेंस नहीं किया था, वो रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया था, वो एम्पिरिकल रिएक्शन में रफली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बताया था CO2 + H2O और एरो देके यहाँ पर बताया था, क्या बताइए, CH2O। ठीक है, और यहाँ पर इवोल्यूशन साइट में और क्या बताया था, ऑक्सीजन इवोल्यूशन। तो देखिए ये फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर लाइट, ऑब्वियसली लाइट H𝛎। ठीक है, ये लाइट फोटोसिंथेसिस जब होगा। अब देखिए यहाँ पर CO2 यूज होता है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में H2O यूज होता है जिससे क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ये CH2O इसको क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और इसके दौरान यहाँ पर क्या इवोल्यूशन हुआ बताइए, ऑक्सीजन इवोल्यूशन हुआ। दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर TW एंजलमैन्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया ये TW एंजलमैन एक्सपेरिमेंट क्या था, ये वाइट लाइट को स्प्लिट करके कौन सा रीजन में लाइट का कौन सा रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है ये उन्होंने प्रूव किया था। और ये क्या है बेटा, फास्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑन फोटोसिंथेसिस। आई होप यू एंजॉय लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे, और 3-4 एक्सपेरिमेंट बच गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो बाय, आज के लिए इतना ही।